हेलो गाइस, व्हाट इज अप, माय नेम इज प्रशांत जी, ऑल आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल प्रशांत समीर और राधे राधे जय श्री कृष्णा। ना मैं आ गया हूँ मथुरा में और अभी मैं हूँ कृष्ण जन्मभूमि में। श्री कृष्ण जी का जन्मभूमि है ये वाला जो गेट है, गेट नंबर 1 है और ये अभी 12 बजे बंद हो जाएगा। तो मैंने तो दर्शन कर लिया, अंदर फ़ोन अलाउ नहीं। एंट्री मेन यहाँ से होती है और उस साइड आपको एक मैं बता देता हूँ किधर, सामने की साइड वो जो है वहाँ पर आपको क्लॉक रूम मिलेगा जहाँ पे आप आपका सामान रख के फ़ोन वोन सब बैग में रख के आपको जमा करने हैं। फिर उसके बाद आपको जाना होगा अंदर। और ये पूरा जो यहाँ से यहाँ तक आपको दिख रहा है पूरा शॉप है। यहाँ से यहाँ पे आपको फूड कॉर्नर मिल जाएंगे और कैसा लग रहा है देखो, कृष्ण जन्मभूमि आकर कृष्ण भगवान के दर्शन हुए ना, उनको बहुत ही सही हुए, अद्भुत। मतलब उसके लिए कुछ वर्ड्स नहीं बोलने के लिए, मतलब बहुत ही सही था। इतनी धूप में भी अंदर जाने के बाद ऐसा था कि हाँ, कुछ सुकून मिला कृष्ण भगवान को देख के। और अब हम आ गए हैं द्वारकाधीश मंदिर और ये गली है, यहाँ से आगे जाकर द्वारकाधीश मंदिर आता है तो यहाँ से पैदल जाना पड़ता है। यहीं पर द्वारकाधीश मंदिर है, यहीं से थोड़ी सी दूर पर कंस किला है तो हम वो दोनों देखेंगे। और आ गया द्वारकाधीश मंदिर, ये रहा। द्वारकाधीश मंदिर और आप देख सकते हो द्वारकाधीश मंदिर मतलब कितना ही सुंदर है। और यहाँ पर आने के बाद एक अलग ही वाइब है। अभी जब मैं आया था हमारे दर्शन हो गए थे, उसके बाद पट बंद हो गए हैं, उनका श्रृंगार होगा और उसके बाद गेट वापस 7 बजे समथिंग ओपन होंगे। बट नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ और यह मशकांडा घाट आए हैं। और अभी हमारे साथ एक ये हुआ है कि बंदर बोला था कि बंदर से ध्यान रखना, बंदर हमारी थैली छीन के भग गया। मतलब ये वाला बंदर था, ये छीन के भग गया। तो ये जो प्लेस है इस साइड वाला, ये सारा द्वारकाधीश मंदिर के दर का है और इधर से ही हम आए थे। सो अब वापस जा रहे हैं क्योंकि अभी क्या हुआ था कि हमको बोला था कि बंदर से संभाल के रखना, चश्मा भी संभाल के रखना, बट हमने ध्यान नहीं दिया। पापा के हाथ में थैली थी, उसको बंदर छीन के भग गया, थैली फट गई, सारा सामान गिर गया, बट वो कुछ ले जा नहीं पाया। अब द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन करने के बाद, एकदम बढ़िया दर्शन होने के बाद, अब हम जा रहे हैं कंस किला जो कि यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर है। सो और हम आ गए कंस किले पे। लाइक ये जो रास्ता है ना, यहाँ से चलते हुए और यहाँ पे जो रास्ता था, बीच में इतने सारे बंदर थे कि पूछो मत। और यहाँ से आने के बाद जो व्यू है वो बहुत सही है। ये है किले की दीवारें और फिर इसके इधर से यहाँ से पूरी नदी दिख रही है, यमुना नदी की, कौन सी नदी मेरे को नहीं पता है बट स्टिल यमुना मैया है। यमुना मैया, ओके। सो भैया ने बताया यमुना नदी है। सो ये यमुना मैया, हाँ, यमुना मैया, यमुना मैया है। और यहाँ से जो व्यू दिख रहा है बहुत सही है और आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। और ये मेरे पीछे यमुना मैया, आप देख सकते हो कितनी अच्छी लग रही है। सो राइट नाउ आई एम एट कंस किला और कंस किला आप देख सकते हो, कंस किला खंडर हो गया है बट स्टिल यहाँ से जो एरियल व्यू आता है, या आप बोल सकते हो एकदम ऊपर से व्यू आता है, बहुत सही आता है। पीछे दिख रहा होगा, मैं दिखा देता हूँ एक बार। और ये व्यू है, कितना ही मनमोहक व्यू है, मतलब अल्टीमेट। यहाँ से पूरा कंस किले से यमुना मैया की दिख रही है, यमुना रिवर, और यमुना मैया बोलते हैं इनको, रिवर नहीं बोलते हैं। सो या और ये जो गली है ये वाली, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये पूरे कंस किले तक के जाने का रास्ता है और इधर से ही जाते हैं। हम इधर से जाके आए थे बट अब मैं उस टाइम तो रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मेरे को बोला था बंदर बहुत है तो वो फोन चश्मा कैमरा सब छीन के ले आते, तो इसलिए मैंने नहीं करा। तो अब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ से जाते हुए।
अगर आप कृष्ण जन्मभूमि आ रहे हैं या कृष्ण जन्मस्थली आ रहे हैं तो ये कृष्ण जन्मस्थली का इधर इस साइड से आगे की साइड से एक गेट है और यहाँ पे जस्ट पास में आपको पोतरा कुंड मिलेगा। तो पोतरा कुंड आके ज़रूर देखें, शाम के टाइम में देखना है, यहाँ पे लाइट के हिसाब से बहुत अच्छा हो जाता है। आप ये व्यू देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है यहाँ से। ये है पोतरा कुंड, तो मस्ट विजिट प्लेस लाइक जज कृष्ण जन्मस्थली आए तो यहाँ से बिल्कुल पास में है, तो आप आके देख सकते हो, बहुत अच्छा लगता है। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही रखते हैं और मैं मिलता हूँ आपको कल ब्लॉग में, क्योंकि कल हम जाएंगे वृंदावन, तो वृंदावन एक्सप्लोर करेंगे। तो तब तक के लिए जय श्री कृष्ण और राधे राधे।